चलिए, तो हमने 51 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमारा ये 52 से स्टार्ट है टेस्ट सीरीज़। तो देखिए, इसके बाद मेरी कंटिन्यू टेस्ट सीरीज़ अभी चालू रहेंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत सारी पुरानी PCS की और RO की टेस्ट सीरीज़ इसमें मिलेंगी। वीडियोज़ हैं और हिंदी के जो नो टेस्ट हैं वो भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो उन्हें भी आप देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन सिक्किम को भारत संघ में शामिल करने से संबंधित है? ऑप्शन है 35वां संविधान संशोधन, बी 36वां संविधान संशोधन, सी 37वां संविधान संशोधन, या डी 38वां संविधान संशोधन। तो इसमें सारे के सारे पॉलिसी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन हैं, जो भी 140 हैं, तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, तो देखिए, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूरी तरह से राज्य बना दिया गया। ठीक है, इसमें संविधान में अनुच्छेद 371F शामिल था, जिसमें कुछ प्रावधान थे, तो आपका यहाँ पर 37वां हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, 37वां नहीं, 36वां गलत हो गया। हाँ, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ये किया गया था, है ना, कि सिक्किम को पूरा राज्य बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार। या डी, अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए है। ठीक है, तो हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों और भारतीय दोनों के लिए हैं, कुछ हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए। विदेशियों के लिए जैसे आपका 16 हो गया, 29 हो गया, ऐसे करके 19 शायद है ना, तो ये कुछ भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए। तो पहले तो आपको वो पता होने चाहिए, इसके बाद में ये जो कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं वो हमें पता चलेंगे, मतलब उसका हम आंसर दे पाएंगे। ठीक है, जो दोनों के लिए उपलब्ध है वो आपका आर्टिकल 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? ऑप्शन है, पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के लिए, नागरिकता के अधिकार। बी, पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार। सी, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं है। यह डी, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। तो 11 किससे संबंधित है या 11 किससे संबंधित है, वो हमें पहले बताना है ना। देखिए, हम इसका पहले आंसर समझ लेते, क्वेश्चन तो हमने समझ ही लिया है। आंसर ये है कि अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, और इस अनुच्छेद के तहत संसद के पास यह अधिकार है कि नागरिकता अर्जन और समाप्ति या इससे संबंधित कोई भी नियम या विधि बना सकती है। पहली बात तो आपको पता है कि हमारे संसद में नियम और कानून बनते हैं, है ना, जो केंद्र के होते हैं, जो राज्यों में भी, जो आप तीन सूचियां देखते हो, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो उनमें जिस हिसाब से विषय बटे हुए हैं तो उनके जो नियम और कायदे कानून है वो संसद में बनते हैं, कुछ जो है वो राज्य विधानमंडल में भी बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होता है, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। भाई, अगर डिसाइड हुआ है कि हमें इनको इनको नागरिकता देना है तो संसद करेगी, है ना, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार प्रकृति में न्याय योग्य है। ऑप्शन बी, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकारों से अधिक विस्तृत है। सी, मौलिक अधिकार सामाजिक और, ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए हैं। ऑप्शन डी, व्यक्तियों के समग्र विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। तो हमें पहले हमने पढ़ लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखो, यहाँ पर सत्य नहीं है ये जरूर याद रखना है ना। तो जो ये चारों ऑप्शन हम बताए गए क्वेश्चन में, इनमें से कौन सत्य नहीं है वो हमें पहले देखना है। ठीक है, देखिए, पहली बात तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनका दावा भारत का कोई भी नागरिक करता है। ठीक है, यह भारतीय संविधान में एक आवश्यक परिवर्तन या परिवर्धन था, तो ये तो सबको पता ही है। और मौलिक अधिकारों को भी भारत की
इन्हें भारत के अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है ना। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा देने के लिए, वहीं पे डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए है। जो सही नहीं है वो आपका सी ही सही नहीं है, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए डीपीएसपी है, ना कि मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित में से किस आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए युद्ध, बी बाहरी आक्रामकता, सी सशस्त्र विद्रोह, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो 19 द्वारा जो गारंटी दिए गए हैं उनके बारे में बात हुई। तो देखिए 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 358 के दायरे को दो तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। सबसे पहले अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपात हो या युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाए, ना कि सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा सी, इसके आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 11, बी अनुच्छेद 12, सी अनुच्छेद 13, या डी अनुच्छेद 14। तो देखिए 11 तो आपको पता है नागरिकता से संबंधित है ना, और राज्य की परिभाषा का उल्लेख आपको पता ही है ना। तो आराम से आप 12, इसके बाद में विधियों में जो मतलब आच्छादन का नियम है वो बताया जाता है ना, वो 13 में है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो फिलहाल 12 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने टिक बताने के लिए लगाया है, आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, या डी अनुच्छेद 18। तो हम इसका जो इंग्लिश वर्जन है या इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि उन्मूलन हो सकता है कई लोगों को ना समझ में आया हो। देखिए विच आर्टिकल मेंशंस द एबोलिशन ऑफ टाइटल्स अदर देन मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन है, तो हमें इसमें से बताना है। ओके तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए उपाधियाँ रुतबा शक्ति उच्चता को दर्शाती है, ठीक है, और सभी को जब समानता का अधिकार प्रदान किया गया है तो फिर उपाधियों का नाम, जैसे किसी ने अपने नाम के आगे कोई उपाधि लगा ली है ना, किसी ने किसी क्षेत्र में कुछ किया, तो उससे क्या है ना कि वो व्यक्ति और उच्च वर्ग का प्रतीत होगा और जो सामान्य व्यक्ति वो हमेशा नीचे वर्ग का प्रतीत होगा। तो इन दोनों वर्गों में समानता लाने के लिए सरकार ने इनका, मतलब सरकार ने नहीं, संविधान में इनका अबोल्यूशन किया गया, मतलब उन्मूलन, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 18 इससे रिलेटेड है। ओके 17 आपको पता है छुआछूत से है ना, तो इस तरीके से चलिए आंसर हमारा मिल गया डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा की गारंटी किसके तहत दी जाती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो देखिए 21 आपका और 21A दो आपने आर्टिकल सुने होंगे। यहाँ पर जो 19 है वो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताता है। जो आपका ये आर्टिकल है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात करता है। ये तो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये तो हर किसी को पता होगा। नहीं पता तो इसको अच्छे से पढ़िए, रटिए, मुंह पे हमेशा बोलते हैं ना टंग पे रहना चाहिए, तो रहना चाहिए। आर्टिकल 19 इस तरीके से रटते रहिएगा बीच बीच में। आर्टिकल 19 छह प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात करता है। आर्टिकल 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, ये इतना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि मेनका गांधी जी का केस हुआ था, ठीक है, तो उसको ब्रॉड एरिया में, ब्रॉड मायने में समझाया, उच्च न्यायालय ने अपना वर्डिक्ट दिया, ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अब इसी का क्वेश्चन आता है कि अपने मनपसंद का विवाह करने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत आएगी। तो जब जीवन जीने का अधिकार ही लंबे बड़े व्यापक मायने में बताया गया है, तो अब इसलिए 21 में आएगा। आप जब क्या नाम से लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ोगे तो आप वहाँ पर आर्टिकल 21 को देखना, इसके बाद देखना एक पेज दिया है, वहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट दिए हैं, स्वच्छ वायु का अधिकार, रहने का अधिकार, ऐसे करके, अभी मुझे पूरे पॉइंट नहीं याद आ रहे हैं, सोने का अधिकार, ठीक है, सोने का मतलब वो गोल्ड वाला सोना नहीं, नींद, नींद, स्लीपिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग गुड नाइट बोलते हैं, स्लीपिंग वाला सोने का अधिकार। तो इसमें जीवन जीने का अधिकार को ब्रॉड एरिया में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रताओं का उल्लेख है,
अब उल्लेख को आप पढ़िएगा, पीडीएफ से पढ़िएगा, या अपनी बुक से लक्ष्मीकांत से पढ़ा होगा, या जो लोग लूसेंट से पढ़ते हैं किसी से भी पढ़िएगा, ठीक है। 19 आपका हो गया 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में। 20 अपराधों की 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण कैसा, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है, उसने कोई काम नहीं किया है, शक के आधार पर पकड़ा गया, फिर पुलिस ने उसके ऊपर 3rd डिग्री का प्रयोग किया, टॉर्चर किया, और उससे ये बोला कि तुम इसके लिए इसको एक्सेप्ट कर लो, उससे ये अधिकार देता है, ठीक है। कोई भी गलत चीज़ को एक्सेप्ट करने से, दोष सिद्ध करने से ये संरक्षण देता है। 21 आपको जीवन जीने का अधिकार देता है ना। और अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण के बारे में संरक्षण देता है। कैसे, ये समझ में नहीं आया होगा, देखिए जैसे कोई भी पुलिस जब आपको पकड़ के ले जाएगी तो उसे आई थिंक 12 या 24 घंटे में कोर्ट के सामने पेश करना होगा। पुलिस आपको बिना अनुमति के ज़्यादा दिन तक जेल के अंदर नहीं रख सकती है। क्यों? क्योंकि आपका दोष सिद्ध नहीं हुआ है ना, तो वो किस दोष के तहत आपको वहाँ जेल में रखेगी। तो आप देखते हो ना, जब पेपर में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उसमें बोला जाता है कि मजिस्ट्रेट से 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने परमिशन दी है, तब उस व्यक्ति को आप 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 7 दिन के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा की गारंटी किसके तहत दी जाती है, तो आपको आंसर आई होप मिल गया होगा, है ना। 20 ये आर्टिकल आपका 20, और ये हिरासत, दोनों में बस माइनर सा डिफरेंस है, वो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है 20, और 22 आपको हिरासत में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई कितने बजे पकड़ा है, हिरासत में लिया है, और इसके बाद कितने समय पेश कर रहा, उसके बारे में भी, उसी के बारे में ये सारी डिटेल में बातें बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति की गारंटी किसके अंतर्गत दी गई है। ऑप्शन है अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 27, सी अनुच्छेद 28, या डी अनुच्छेद 29। तो धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से गारंटी, देखिए अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों को प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, है ना। जैसे अब आप सोच रहे हो कि प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, तो हमें भी पता है। देखिए मैं बताती हूँ, जैसे कोई पंजाबी है तो अपने धर्म के बारे में गुरुद्वारे में रहता है, उसकी देख रेख करता है ना, वो प्रबंध करता है, देखता है, जब लंगर चलते हैं तो उसकी व्यवस्था कराता है, या और लोग रहते हैं, तो ये 26 है, ठीक है, है ना। तो 26 आपका धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। 27 किसी भी धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता, सॉरी हाँ, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति देता है। जैसे आप भक्ति कर रहे हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं है, है ना। आप किसी भी भगवान को पूज रहे हैं, कोई शंकर को पूजता है, कोई बजरंग बली को पूजता है, कोई कान्हा जी को पूजता है, तो इस तरीके से भक्ति करने के लिए, और गाना गाते हैं, किसी को सत्संग के बारे में बताते हैं, जिसका मन किया वो गया आपके साथ, जिसका किया नहीं गया, तो उन सब में प्रचार में भुगतान से मुक्ति है, मतलब कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 28 आपको पता है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक मतलब किसी धर्म के बारे में नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि इस धर्म के बारे में उसको पढ़ना ही है, इस तरीके से। और 29 आपको पता ही है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण। मान लो जैसे जनजाति हैं, अब उनके ऊपर इंक्रोचमेंट, आक्रमण कोई कर रहा, अतिक्रमण कर रहा है ना, तो भाई वो उनकी अपनी संस्कृति है, तो उसे हर कोई उसे नष्ट नहीं कर सकते ना, इसके लिए भी स्वतंत्रता दी गई है। तो इस तरीके से धर्म की भुगतान से मुक्ति की गारंटी किसके अंतर दी गई, तो आई थिंक इसका आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया 27, ठीक है, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति है इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या करता है। अब देखिए पॉलिटी ऐसे ही एक दूसरे से कनेक्ट होती है और फंसती है। और मैं एक बात और बता दूं कि जैसे मुझसे प्रोनंसिएशन में कोई दिक्कत हो जाती है, कई बार शब्द प्रोनंसिएट होने में आगे पीछे हो जाते हैं, कई बार अच्छा कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया या कोई नई बात पता चली, तो आप अप्रिसिएट कर सकते हैं, इससे हौसला और बढ़ता है। एक सर है, उन्होंने बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर कहीं कुछ कमी भी आ रही तो वो भी आप बता सकते हो। उससे क्या होता है ना कि अपने आप को और इम्प्रूव करने की शक्ति मिलती, ऊर्जा मिलती है, और अच्छा भी लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा है, शिक्षा से बेहतर समाज में क्या हो सकता है। शिक्षा जो उजाला फैलाती है वो शायद ही जल्दी कोई
कोई मतलब एरिया फैलाता हो, मुझे ऐसा लगता है, आई पर्सनली बिलीव, बाकी आपके अपने बिलीव हो सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये चीज़ ठीक लगती है और ये चीज़ में अभी सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का, हाँ क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, देखिए अभी मैंने इसके पहले आपको बताया ही था है ना, पर फिर भी एक बार मैं देख लेती हूँ, और मेरा आंसर सही है, मेनका केस 1978। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी बहुत व्यापक व्याख्या की है, किसकी, 21 की, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्यापक व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये केस बहुत अच्छा और बहुत फेमस था, इसको आपको जरूर अच्छे से पढ़ना चाहिए, और पीडीएफ में भी इसके बारे में काफ़ी अच्छा दिया, उसको भी आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की परिभाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन कौन अनुच्छेद, तो ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यक, सी केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, या डी केवल धार्मिक भाषाई और सामाजिक अल्पसंख्यक। 30, आर्टिकल 30 की परिभाषा के अंतर्गत, तो 30 की परिभाषा अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको ज़्यादा जरूर पता चल जाएगा, है ना। देखिए हमारे संविधान के आर्टिकल 30 में धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जो आर्टिकल 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों धार्मिक या भाषाई तक ही सीमित है, और नागरिकों को किसी भी वर्ग जैसा कि अनुच्छेद 29 के तहत विस्तारित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 350A और 350B यानी 350A और 350B केवल भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित है, तो यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि सी। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये कथन कारण का क्वेश्चन आया है, सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियाँ उनकी प्रगति एवं विस्तार के अनुसार किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है। कारण है अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर सही कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कथन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। बी, कथन ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। सी और डी आप तो जानते हैं, उसी तरीके से आंसर दिए गए हैं। मेन मुद्दा क्या है, हमें ये बताना है ना कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो बोला गया, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियाँ उनके प्रगति एवं विस्तार के अनुसार किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह यह परिसंघीय न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक तथा संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, इंटरप्रेटर है। ठीक है, जबकि इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की न्यायिक समिति की तरह देश के सभी और आपराधिक मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय भी है। आपको पता है जब लोगों का कहीं नहीं कुछ होता है तो बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जरूर जाएंगे, है ना, तो अंतिम न्यायालय है। जैसा कि आर्टिकल 131 के बारे में बताया गया है, अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्र अधिकार का वर्णन किया गया है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के कई क्षेत्र अधिकार है, आपराधिक, मौलिक, ठीक है, तो वो आप याद कर लो, उनको अलग अलग आर्टिकल के तहत बताया गया है, या फिर इसी क्वेश्चन में आएंगे, तो इससे क्या है ना आपको बहुत रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन पहले याद कर लीजिए, टॉपिक को फिर गूगल से ही सर्च करके पढ़ लीजिए, बुक से पढ़ लीजिए, तो आपको क्लैरिफिकेशन तो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनता है वो बनता है बी, यानी कि कथन ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बी आर अम्बेडकर द्वारा अद्वितीय विशेषता माना गया है। ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अम्बेडकर जी के अनुसार देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भी अम्बेडकर जी ने संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक किया गया है ना, और सबको पता है कि DPSP आयरलैंड से लिए गए हैं, तो इस तरीके से सी आंसर आपको मिल जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्थापित करने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, बी आर्थिक लोकतंत्र, सी सामाजिक लोकतंत्र, या डी राजनीतिक लोकतंत्र। तो देखिए पहला कल्याणकारी राज्य तो सबको पता है कि DPSP का मेन उद्देश्य ही यही था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का निर्माण करना है। आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, है ना, कल्याणकारी राज्य की पहले से ही है, आपको आंसर यहीं पर मिल गया डी। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापित करने का कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? आर्टिकल 38, बी 39, सी 40 या डी 41। DPSP, देखिए एग्ज़ाम निकालने का सबसे अगर कोई अच्छा तरीका है फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, और अनुच्छेद और भाग, ये कहाँ कहाँ रखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कम से कम अगर ये तीन चार पोर्शन आपने बहुत मजबूत कर लिए तो आपके 10 क्वेश्चन तो यहीं से केवल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कभी मत भूलिएगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत और सुशासन का आयोजन करें गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, समाजवादी सिद्धांत पर भी आधारित है, ठीक है। तो अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना, आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, ठीक है। तो आप इस तरीके से लाइन से सारी चीज़ें दी गई हैं और जो आपका आंसर है वो आपका है अनुच्छेद 40 यानी कि सी ऑप्शन, आपका आर्टिकल 40 के अंतर्गत सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 39, बी 39A, सी 43A या डी 48A। तो ये देखिए DPSP के ही क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी बनते हैं, तो आप जरूर पढ़िएगा। देखिए आर्टिकल 39A कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे जिससे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, ठीक है। तो आपका 39A हो जाएगा यानी कि बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्र अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, और जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और सामान्य कानून दोनों के लिए रिट जारी करता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के पूरे क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर या केवल क्षेत्रीय क्षेत्र अधिकार के बाहर रिट जारी कर सकता है यदि कार्रवाई का कारण उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता, जबकि उच्च न्यायालय रिट क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। डी, रिट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के पास उच्च न्यायालय से अधिक शक्तियाँ हैं। देखिए चार यहाँ पर वक्तव्य दिए गए हैं और काफ़ी लंबे चौड़े हैं, तो आपको इसको काफ़ी अच्छे से पहले पढ़ना है, क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। इसके बाद में हम फिर आंसर को अच्छे से देखते हैं, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर आंसर हमारा समझ में नहीं आएगा। पहली बात, इन्होंने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्र अधिकार के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। पहली बात तो सत्य नहीं वो बताना है, तो दोनों की भाषा को समझना है। देखिए उच्च न्यायालयों के पास बुनियादी अधिकारों को बनाए रखने के लिए रिट जारी करने के अलावा अतिरिक्त शक्तियां हैं, ठीक है। ऐसे में उनके पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अधिकार है, ये बात तो क्लियर हो गई कि रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के पास ज़्यादा अधिकार है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत जिसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी करनी चाहिए, रिट देते समय उच्च न्यायालयों के पास विवेकाधिकार होता है, तो विवेकाधिकार होता है, तो इस प्रकार रिट क्षेत्र अधिकार के संबंध में उच्च न्यायालय के पास सर्वोच्च न्यायालय से अधिक शक्तियां हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, तो डी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर सारी कहानी की। एक दवा रिट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय से अधिक शक्तियां हैं, ये गलत है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिक शक्तियां यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिक शक्तियां हैं हाई कोर्ट की अपेक्षा, ये ऑप्शन गलत है। हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्तियां सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा, ये बात आप अपनी भाषा में समझिए जो हम आम भाषा में बात करते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर है गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक कि आप लोगों को आंसर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप PDF को पहले पढ़िएगा फिर आंसर को निकालने की कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन ने क्या कहा है और रियल में आंसर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 33 या डी अनुच्छेद 34। तो ये मार्शल लॉ के बारे में बात हो रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन आरोपित करता है। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की, मतलब ये भाषा थोड़ी सी अजीब है, इसको आप पढ़िएगा क्योंकि प्योर हिंदी कर दिया उन्होंने तो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी। आंसर आपका है आर्टिकल 34, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सूची है, ये सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकेंड है।
ये यहाँ पर बातें बताई गई हैं और ये आर्टिकल आपको रिलेटेड है। तो अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे तो पॉलिटी बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो पॉलिटी है, सिर्फ ये रिवीजन मांगती है। अगर आप सोचो कि हम साल में एक बार पूरी बुक को घोल के पी जाएं और हमें फिर रिवीजन ना करना पड़े और याद आ जाए, तो ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मैं 3 3 4 4 बार पढ़ती हूँ फिर भी मेरे को कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं उपाधियों का उन्मूलन, अभी हमने पढ़ा इसके पहले, आर्टिकल 18 आ जाएगा, बिना आंसर देखे आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अभी आपने देखा है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, देखिए जो 21 है वो जीवन जीने का अधिकार व्यापक मात्रा में, और जो 21A है ये शिक्षा का अधिकार है, ये बाद में जोड़ा गया क्योंकि 21 के बाद ए आ गया तो इसको बाद में जोड़ा गया। ठीक है, देखिए इस तरीके से अभी आ जाएगा D1, सॉरी D2, यहाँ पर D2 एक ही जगह आ रहा, फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं। उपाधियों का अंत A3, A3 इसमें A3 और D2 भी आ रहा, इसके बाद हम आंसर को चेक करते हैं, D ही आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉरी देखिए हमने यहाँ पर कहाँ देखा, D2 21, शिक्षा का अधिकार 21A, ठीक है, और उपाधियों का उन्मूलन 18। अगर आपने दो भी कर लिया तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से बहुत जल्दी पॉलिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस फैसले में कहा कि मौलिक अधिकार पवित्र है और संसद के पास उसमें संशोधन करने की शक्ति नहीं है। ऑप्शन ए चंपकम दुराय राजन मामला 1951, बी गोलकनाथ केस 1967, सी केशवानंद भारती मामला 1973, यटी मिनर्वा मिल्स मामला 1980। तो देखिए ये सारे मामले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके जो वर्डिक्ट आए उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ऐसा बोला गया, जो ये आपका है गोलकनाथ केस, तो ये पंजाब राज्य से हुआ, जिसमें संक्षेप में गोलकनाथ केस में सरकार सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था की कि मौलिक अधिकार पवित्र हैं तथा संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में संसद द्वारा कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो ये आपका गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पर। चलिए हम देखते हैं नया क्वेश्चन दूसरा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतें गठित करने का निर्देश देता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 48 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो कौन सा अनुच्छेद है जो ऐसा निर्देश देता है, तो भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, DPSP से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण है, तो गारंटी प्रभावी सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। वहीं अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की गठन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 42 में है ना, 42 बोलेंगे आई थिंक, हाँ सॉरी 73 हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति ने निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्य सुझाए थे। ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10 या डी 11। तो जब मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था तो उस समय स्वर्ण सिंह समिति ने ये सिफारिश की थी कि भारत में मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, है ना, तो 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, भारतीय संविधान में 8 की जगह 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, तो जोड़े गए थे अगर पूछा जाएगा तो 11, और सिफारिश की थी तो बोला जाएगा 8। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पर 8 सही हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि जब मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए तो कितने थे, तो 11, और सिफारिश जब की थी स्वर्ण सिंह समिति ने तो कितने मौलिक कर्तव्य थे, 8। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। देखिए आपके कन्फ्यूजन यहीं दूर हो गया है ना, स्वर्ण सिंह वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्य हो तो हेतु तो सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति की स्थापना की गई, ये तो हमने अभी पढ़ लिया, लेकिन जब जोड़े गए थे ठीक है तो कितने कर्तव्य जोड़े गए, तो C 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 संघ को मान्यता दी गई थी। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्यों की 4 श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया है और 14 राज्यों और 6 संघ को मान्यता दी गई थी। ऑप्शन ए 7वां संवैधानिक संशोधन, बी 8वां संवैधानिक संशोधन, सी 9वां संवैधानिक संशोधन या डी 10वां संवैधानिक संशोधन। तो देखिए
बस मैं थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ, बाकी आप लोग तो पीडीएफ से पढ़ ही लेते हो। तो सातवां संवैधानिक संशोधन 1956 यानी कि 1956 के द्वारा दूसरी और सातवीं अनुसूची को संशोधित कर दिया गया, जिसमें राज्यों के चार प्रकार के भाग थे, भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी। तो उनके बजाय अब 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई थी। ये कब की बात हो रही है? 1956, ठीक है, 1956 की बात हो रही है, तब 14 राज्य थे, है ना, ये आज की बात नहीं हो रही है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, इस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने चुनाव न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया और चुनाव याचिकाओं की सुनवाई की शक्ति उच्च न्यायालय को दे दी। पहली बात तो न्यायाधिकरणों और याचिकाओं, ये शब्द थोड़े से आपको लेमन लैंग्वेज में टफ लग रहे होंगे, तो हम देख लेते हैं अपना ट्रांसलेशन इंग्लिश का। ओके, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अबॉलिश्ड द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स एंड गिव द पावर टू हियर इलेक्शन पिटीशन टू द हाई कोर्ट। ठीक है, पिटीशन अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर कह रहा कि 19वां सीए 1966, 21वां सीए 1967, 22वां सीएए 1969 या डी 23वां सीएए 1969। तो इसमें सिर्फ भाग का फर्क है, ईयर तो सेम है। तो देखिए 19वां सीएए 1966 चुनाव न्यायाधिकरणों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, तो आंसर आपका हो जाएगा ए। इसके बाद में बाकी चीज़ें आप पीडीएफ से अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरा बताऊंगी तो फिर आपका समय चला जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ये संवैधानिक संशोधन है और ये प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन है 10वीं सीएए 1961 संवैधानिक संशोधन हो गया, पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल करना। 12वीं सीए 1962 नागालैंड को राज्य का दर्जा और विशेष प्रावधान। ठीक है, 13वां सीए गोवा दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल करना। 14वां सीए 1962 दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करना। तो ये कोड दिया गया है, हमें सही आंसर बताना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए जो आपका 10वां होता है ना, ये सीएए 1961, इसमें आपको दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो आपका 12वां सीएए 1962 है, ये आपका गोवा दमन और दीव से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में ये जो 13वां सीएए है ना, ये आपका सेकंड से, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो बी कूट है ये आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाता है, यानी कि D1। ठीक है, D आपका 1 से रिलेटेड है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया विश्व के किस संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया या डी जापान। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निर्धारित प्रक्रिया विश्व के किस संविधान पर आधारित है? तो अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा पॉलिटी में जब आपको पढ़ाया गया हो, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ठीक है, कैसे संबंधित है उसको आप पीडीएफ में जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 368 के संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए 10, भाग 6, 9 या 20। तो देखिए जो आपका आर्टिकल 368 है वो आपका भाग 20 में है। ठीक है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है वो भाग 20 में दी गई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए दोहरी सरकार, राष्ट्रीय क्षेत्रीय सरकार होनी चाहिए, बी एक लिखित संविधान होना चाहिए, सी संविधान की सर्वोच्चता या डी संविधान कठोर या लचीला हो सकता है। संघीय सरकार की मुख्य विशेषता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि इन्होंने पूछा कि विशेषता नहीं है, अगर है पूछते तो ठीक है। तो देखिए संघीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता होती है दोहरी सरकार, राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधानमंडल। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, संविधान कठोर या लचीला हो सकता है, डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघीय को अर्धसंघीय कहा है? ठीक है, तो ये जो वर्डिक्ट कहा था केसी वेयर ने कहा था
कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय शब्द दर्शाता है कि भारतीय संविधान संघीय और एकात्मक दोनों सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपका कैसे भी हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध, बी केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, सी केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध, या डी राज्यपाल की शक्ति। तो फैक्ट खूब पूछता है पीसीएस में, आपको फैक्ट खूब तो नहीं आने चाहिए पर कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए। 245 से 255 केंद्र राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 256 से 267 केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध से संबंधित होते हैं, जबकि अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र और राज्यों के साथ वित्तीय संबंधों से संबंध। तो आपके तीनों इन ऑप्शन का आंसर इसमें इसी पीडीएफ में है, यानी कि इसी आंसर के अंतर्गत है। तो आप जब इस तरीके से पीडीएफ को पढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे आंसर और क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो 45 टू 55 राज्यों के बीच विधायी शक्ति तो हो ही गया है ना, इसके बाद में आपके तीनों हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों स्वायत्त जिलों के शासन को कुछ शक्तियां दी हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस श्रेणी में नहीं आता है। देखिए, तो जो राष्ट्रपति जी ने ऐसा किया है, मतलब असम के लिए राज्यों के राज्यपाल को आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन करने की विशेष शक्ति दी गई है जो राज्यपाल होता है, जबकि मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के लिए राष्ट्रपति के पास शक्ति है, यानी कि वहाँ राज्यपाल के पास वो शक्ति नहीं है या वहाँ वो राज्यपाल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि असम आपका आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बी, राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी ना तो एक और ना ही दो। इनमें से इस कौन सा हमारा जो कथन है सही वो देखना है। देखिए, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही है। बाकी और पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, बट यहाँ पर दोनों जो कथन कहे गए वो सही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा संवैधानिक आधार दिया गया था। बी, यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और संस्था के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी ना तो एक या ना ही दो। तो यहाँ पर पहले तो याद रखना सही पूछा गया कथन हमारा। देखिए, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 यानी 1993 को गठित एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था, है ना। और भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो मानवाधिकारों की सुरक्षा और प्रचार के लिए जिम्मेदार है, ये मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और संस्था कांग्रेस के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन जो है यानी कि एक और दो दोनों ही सही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति कौन कर सकता है। ऑप्शन है, राज्य के राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, जो राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जैसे अपना यूपी पीसीएस मान लो, तो जो इसके अध्यक्ष है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो पता है। और राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं के अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंस समझ में आया, जो केंद्र स्तर पे है एजेंसी उसकी राष्ट्रपति, और जो ये राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के स्तर पे हैं अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है। ऑप्शन है, संसद, बी राष्ट्रपति, सी राज्य के राज्यपाल, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो यहाँ पर पूछा है कि इनकी नियुक्ति कौन कर सकता है, तो इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संघ कार्यपालिका से संबंधित है। ऑप्शन ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4A, डी भाग 5। तो देखिए,
भारत के संविधान का भाग 5 संघ की कार्यपालिका से संबंधित है, जिसका हाँ जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक का उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान में भारत में संसदीय सरकार की स्थापना की है, ये तो हर किसी को पता है। तो ये आपका जो संबंधित है वो भाग 5 से संबंधित है। किसे ये पता है कि भाग 3 में क्या है और भाग 4 में क्या है, वो आप कमेंट करके जरूर बताना, फिर मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, इस तरीके से भाग और अनुच्छेद तैयार होते जाएंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी भारत के अटॉर्नी जनरल और डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से संघ कार्यकारिणी के हिस्सा या भाग हैं, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या थर्ड प्रधानमंत्री, फोर मंत्रिपरिषद, फाइव भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये नहीं है। यहाँ पर तीन ये लोग हैं और दो आपको मैंने और बताया मंत्रिपरिषद इसके हैं। ठीक है, यानी कि कार्यकारिणी का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बी उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, सी उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, डी उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हो, उन्हीं को इन्होंने क्वेश्चन के रूप में रख दिया और इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, याद करिए आर्टिकल 58 में क्या है। तो आर्टिकल 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या आवश्यकताओं का पूरा होना चाहिए। पहली बात, वो भारत के नागरिक होने चाहिए, ये तो कंपलसरी है ना। उनकी उम्र 35 वर्ष की आयु उनकी सॉरी उनकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, है ना। लोकसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित होना चाहिए, मतलब कि उतनी उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए। भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन या किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई भी लाभ का पद उन्होंने धारण ना किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा ना कि उसे राज्यसभा, तो ये ऑप्शन आपका हो जाता है गलत, यानी कि ये आवश्यक नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद में किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत, बी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत और कुल सदस्यता का 50%, सी साधारण बहुमत, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए जब संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाएगा तो उस समय ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है ना, पूरी तरीके से तो न्यायिक है नहीं, मतलब इसका जो हटाने का महाभियोग लाया गया वो न्यायालय में तो नहीं लाया गया है ना। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रियाओं के बारे में सब कुछ बताता है ना। तो और चीज़ें आप इसमें पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आपका जो उन्हें हटाने के लिए बहुमत चाहिए वो कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद इसमें से 7 से 8 लाइनें और अच्छे से दी हैं, उनको पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आई होप आप लोग पढ़ लोगे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं है। ऑप्शन ए युद्ध, बी बाहरी आक्रमण, सी सशस्त्र विद्रोह, या डी आंतरिक अशांति। तो ये आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले क्वेश्चन आ भी चुका है यहाँ पर भी और वैसे भी आता है। तो आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1978 में हटा दिया गया था। ठीक है, जबकि युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आधार है। तो यहाँ पर डी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। आर्टिकल आप ऑप्शन ए आर्टिकल 110, बी आर्टिकल 111, बी सी आर्टिकल 117 और डी आर्टिकल 123। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जब आपको संविधान में पढ़ोगे तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश लाने का अधिकार है। ठीक है, जबकि जबकि जब राज्य में विधानमंडल न चल रहा हो तो 213 के तहत गवर्नर को। इन दोनों को बहुत अच्छे से आप रट लीजिए, इसको रटने का कोई रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 123 को ही जब आप उल्टा करोगे तो 213 आ जाएगा। 123 प्रेसिडेंट, 213 गवर्नर, बहुत सिंपल है, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और चीज़ें ऐसे ही इंटर रिलेट करते चलेंगे ना, तो बहुत सिंपल है। पॉलिटी में कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ उनको बीच बीच में कनेक्ट करते जाइए, कनेक्ट करते जाइए और रिवीजन करते जाइए, तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया। न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो ऑप्शन ए 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, बी 42वां संशोधन अधिनियम 1975 सॉरी 76, डी 44वां संशोधन अधिनियम 1978 या डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, ठीक है। तो मुक्त कर दिया, जुडिशियल रिव्यू से मुक्त कर दिया। तो देखिए 39वां संशोधन अधिनियम 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने के फैसले के जवाब में अधिनियमित किया गया था, तो उसी समय इसको जुडिशियल रिव्यू से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है 38वां। एक सेकेंड, देखिए ये काफ़ी लंबी कहानी है, उसमें से आपको पीडीएफ से पढ़ना है। अगर मैं पूरी कहानी बताऊंगी तो 3 से 4 मिनट केवल कहानी में चले जाएंगे, है ना, क्योंकि कई कई लंबे लंबे वर्डिक्ट आते हैं न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, तो उनके द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं। तो ऑप्शन मैंने बता दिया, बाकी चीज़ों को आप अच्छे से उसमें पढ़ लीजिएगा कि कब कब क्या क्या हुआ, तो आपके कई सारे क्वेश्चन का आंसर आपको उसमें और मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि चुनाव आयुक्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है। बी आयोग के निर्णय लेने में सभी चुनाव आयुक्तों का समान अधिकार होता है, तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बात हो रही है। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, और वे 6 साल तक या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो सेवा करते हैं। तो ये तो हो गई उनकी मतलब स्टैटिक पोर्शन। और जो पूछ रहा है कि आयोग के निर्णय लेने में सभी चुनाव आयुक्तों का समान अधिकार है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है, यानी कि दोनों ही कथन आपके सही हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाँ ये तो हो गया हमारा यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चुनाव आयोग पर ही बना दिया गया है। भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए भारतीय संविधान द्वारा गठित एक स्थायी और स्वायत्त निकाय है। बी वर्तमान में 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। पहली बात तो चुनाव आयोग को आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना है, क्यों, क्योंकि इनका करंट में मुद्दा चला है, ठीक है, करंट अफेयर में इनका इनकी चर्चा रही है, चुनाव आयोग की चर्चा हुई है, उसमें से कुछ बदलाव हुए हैं नियमों में, तो इसको एक बार तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए अच्छे से, है ना। भारत का चुनाव आयोग पता है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा गठित एक स्थायी और स्वायत्त निकाय है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का चुनाव आयोग 187 संवैधानिक निकाय है जो भारत में चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ये तो सबको पता है, और ये आर्टिकल 324 के तहत फंक्शन या कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाता है, बट इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा क्योंकि करंट में मुद्दा था, मे बी इसको कुछ ना कुछ करके क्वेश्चन फॉर्म कर दिए जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 355, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 352 या डी अनुच्छेद 360, ठीक है। तो बी के तहत ये लगाया जा सकता है। जब आप पीडीएफ को पढ़ोगे तो इन सब के और बहुत खूबसूरत आंसर बहुत अच्छे से मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है, तो और चीज़ें पता चलेंगी। पूरा मैं नहीं बता सकती, सबको पता है, टाइम प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का अधिकार देता है, ठीक है। तो देखिए राज्य तथा केंद्र में समन्वय स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय विधायी कार्यवाही द्वारा बनाया गया था और संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन सेकंड कहता है कि सीएजी भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक है, तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है ये हमें बताना। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, ठीक है। तो सीएजी भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। वह भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रमुख और सार्वजनिक धन के मुख्य संरक्षक है,
यह वह संस्था है जिसके माध्यम से सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों, वे सभी जो सार्वजनिक धन खर्च करते हैं, कि संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा उनके माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका केवल सही हो जाएगा, फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पंचायत राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होते हैं। ऑप्शन सेकेंड, पंचायत राज की प्रारंभिक विफलता को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति ने 1977 में दो स्तरीय शासन योजना का प्रस्ताव रखा था। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। पहली बार तो कथन जो सही है वो हमें बताना है। पंचायती राज से संबंधित कई आपकी समिति हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, उनसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो भारत में पंचायती राज शब्द ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली का प्रतीक है। ठीक है, इसकी स्थापना 1957 में भारत के बलवंत राय मेहता समिति की सलाह के बाद की गई थी। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति भी इम्पोर्टेंट है। इस योजना के परिणाम स्वरूप 1959 में राजस्थान में पहली पंचायती प्रणाली शुरू की गई थी। इस विफलता को दूर करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति नामक एक नई समिति गठित हो गई थी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि स्थानीय निकायों के वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, प्रत्येक पंचायत केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही अनुदान सहायता प्राप्त कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड, निर्दिष्ट या साझा राजस्व वह है जो राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है लेकिन स्थानीय निकायों के साथ स्थानांतरित किया जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए हमारा कह रहा केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो प्रत्येक पंचायत को राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निधि से सहायता अनुदान प्राप्त होता है या उसका अधिकार होता है। इन्होंने कहा प्रत्येक पंचायत केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग से यहाँ पर लेना देना नहीं है क्योंकि ये राज्य वित्त आयोग से इनका वो होता है। ठीक है, तब जाकर इन्हें धन की प्राप्ति होती है या इनका जो राजस्व ट्रांसफर होता है। तो बी ऑप्शन आपका केवल बी आपका यहाँ पर यानी कि सेकंड सही हो जाएगा, पहला है गलत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, बी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, सी किशनपुर वन्यजीव विहार या डी हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में है एक तरीके से। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना मई 1957 में की गई थी। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सबसे पुराना वन्यजीव विहार हो जाता है उत्तर प्रदेश का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में शामिल है। ऑप्शन ए भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, बी संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के चुनाव के संबंध में विवाद, सी या थर्ड भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद, फोर दो राज्यों के बीच विवाद या अधिक राज्यों के बीच विवाद। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और फोर, डी केवल थर्ड और फोर। तो हमें देखिए, मैंने बताया था न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार होता है, कई सारे होते हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। मैंने बताया था कि ये इनसे क्वेश्चन आते हैं, आयोग में भी आते हैं, मैंने पीसीएस में भी देखा और आईएएस में यूपीएससी में तो देखा ही देखा है। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मूल अपीली और सलाहकार अधिकारी अधिकारिता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक है, ये तो हर किसी को पता है। और तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही है। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाता है सही। दो राज्यों के बीच विवाद या अधिक राज्यों के बीच विवाद, तो वो भी सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार शामिल है। पहला भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, वो भी शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ऑप्शन है किसी राज्य के मौजूदा क्षेत्र को बदलना और किसी राज्य का नाम बदलना, बी संसद को राज्य सूची में कानून बनाने और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देने वाला एक प्रस्ताव पारित करना। देखिए, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा कि भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा के बारे में हो रही कौन सी विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। ठीक है, राज्यसभा को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना और सेवानिवृत्त के बाद राष्ट्रपति की पेंशन का निर्धारण करना,
डी चुनाव आयोग के कार्यों का निर्धारण करना तथा चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। तो यहाँ पर जो विशेषाधिकार है वो हमें पहले देखना है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, संसद को राज्य सूची में कानून बनाने और एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार देने वाला एक प्रस्ताव पारित करना, ये राज्य राज्यसभा का मतलब कि राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। इसके सिवा दोनों हाउस बराबर मतलब अपना वेटेज रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये ऊपर है और ये नीचे या इसमें ज़्यादा शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा महाभियोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित उद्घोषणा और वित्तीय आपातकाल, इन सब में बराबर दोनों हाउस की शक्तियाँ समान हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रावधान से संबंधित है। ऑप्शन ए न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, बी भारत की संचित निधि सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्च वहन करती है, सी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, यदि उपयुक्त सभी, ठीक है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना के प्रावधान के तहत न्यायाधीशों के कार्यकाल को सुरक्षा प्रदान की गई है। सेवानिवृत्त के बाद न्यायाधीश कार्यपालिका के किसी भी कार्य में शामिल नहीं हो सकते। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है और न्यायपालिका से संबंधित सभी खर्च भारत की संचित निधि द्वारा वहन किए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डी आपका ऑप्शन हो जाता है सही, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी एकल नागरिकता। तो कौन सी मूल संविधान की विशेषता नहीं है ये पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य निर्धारित नहीं थे और सबको पता कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। तो भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा सही सुमेलित नहीं है, ये संविधान के भाग है और ये प्रावधान है, ठीक है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, भाग 9A सहकारी समितियाँ, भाग 2 नागरिकता, भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, आई होप आंसर मिल गया होगा, पर फिर भी हम बता मेरा बताना काम है तो मैं बताती हूँ। देखिए जो 9A है आपका, यहाँ इन्होंने दिया है भाग 9A, ये नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। 9A ये जो सहकारी समितियाँ, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सहकारी समिति नहीं होंगी, यहाँ पर नगर पालिका हो जाएगा, ठीक है, यही आपका गलत सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए त्रिस्तरीय सरकार, बी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सी वित्तीय आपातकाल, डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी विशेषता वर्तमान संविधान से संबंधित है। वर्ष 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया था, ठीक है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो इस तरीके से उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देता है। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, सी महान्यायवादी, ए डी महाधिवक्ता, ठीक है। तो महाधिवक्ता का पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार विधिवत रूप से नियुक्त तो एक संवैधानिक पद है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्य हुए बिना संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन ए महान्यायवादी, बी मुख्य सूचना आयुक्त, सी चुनाव आयुक्त, या डी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अनुच्छेद 88 में कहा गया कि जहां एक तरफ भारत के अटॉर्नी जनरल की संसदीय स्थिति का सवाल है, वह संसद में मंत्री के समानांतर पद है, ठीक है। और यह अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक मंत्री और अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने का अधिकार है और वह इसकी कार्रवाई में भाग ले सकता है, बट जब वोटिंग होगी बैठक में तब ये वोट देने का अधिकार इनको नहीं है, ठीक है। बाकी तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1912 में, बी वर्ष 1917 में, सी वर्ष 1921 में, या डी वर्ष 1925 में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ही नहीं अभी तो देश में पहली बार सहकारी क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय का मतलब स्थापना वर्ष 1917 में इलाहाबाद की कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना से हुआ था।
तो बी आपका 1917 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 30 जनवरी को राम भाऊ मोहलगी प्रबोधिनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था? ऑप्शन ए शेरपा अमिताभ कांत, बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, या डी विदेश मंत्री एस जयशंकर। करंट का क्वेश्चन है तो भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने 30 जनवरी को रामा भाऊ मोहलगी प्रबोधिनी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप द्वारा मुंबई में आयोजित भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायो एशिया 2023 के लिए हाल ही में किसे भागीदार देश के रूप में नामित किया गया? ये करंट का क्वेश्चन है, इसमें करंट के क्वेश्चन इंक्लूड है, मैंने पहले भी कहा था, तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा होने वाला है कि करंट भी थोड़ा सा तैयार हो जाएगा। देखिए, बायो एशिया समिट 2023 के लिए तेलंगाना सरकार ने, ठीक है, तेलंगाना सरकार ने यूनाइटेड किंगडम को कंट्री पार्टनर घोषित किया है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि बी ऑप्शन आपको हो जाता है सही, और करंट का क्वेश्चन है तो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 फरवरी, बी 3 फरवरी, सी 2 फरवरी, या डी 4 फरवरी। तो ये तो पता कि ये फरवरी में ही मनाया जाता है, लेकिन 2 फरवरी 2023 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार ये 1997 में यानी 1997 में मनाया गया। चलिए, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि 2 फरवरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, और डी गुजरात। तो पता है कि जो खजुराहो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो पूरे चांसेस है कि ये वहीं पर आयोजन किया गया हो, तो मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। ठीक है, 2023 20 से 26 फरवरी तक हुआ। ठीक है, तो यहाँ कई बार नाम अलग होते हैं तो जगह चेंज होती है, बट क्योंकि खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है तो इसलिए इसका आंसर भी मध्य प्रदेश ही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन निम्नलिखित में से किस वर्ष तक हेरिटेज रूट्स पर चलेगी? ऑप्शन ए जून 2023, बी अगस्त 2023, सी अक्टूबर 2023, या डी दिसंबर 2023। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बात हो रही है, तो देख लेते हैं। हेरिटेज रूट्स पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक आएगी और ये भारत में डिजाइन और निर्मित की जाएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाता है सही यहाँ पर, दिसंबर 2023। ठीक है, नेक्स्ट है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कश्मीर फाइल्स को दिया गया, बी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए जीता, सी कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फिल्म इंडस्ट्री का पुरस्कार रेखा को दिया गया, डी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार एस राजामौली को RR फिल्म के लिए मिला। तो ध्यान रखना है, देखिए जो डी ऑप्शन आपको बोला गया है ना, तो आर बाल की चुप को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने देवघर झारख में इफको नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी श्री पीयूष गोयल, सी अमित शाह, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 फरवरी 2023 को झारखंड के देवघर में एक नैनो यूरिया की आधारशिला रखी, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाता है सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री ल्यूमिनस किस राज्य में बनाई जाएगी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार, या डी झारखंड। तो बनाई जाएगी यानी कि प्रस्तावित है ना, तो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी उत्तराखंड के रुद्रपुर में भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। ठीक है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2027 फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी सऊदी अरब, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा की है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब ने 1956 में अपनी स्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार 2027 के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी हासिल की है। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, सऊदी अरब। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में स्मार्ट, ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत की है वो आयुष मंत्रालय के तहत दो प्रमुख संस्थानों भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट फॉर स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजस्व बचत इतना इतना करोड़ रुपए अनुमानित है, ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4% है, तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। देखिए अब मैंने इसको इतना इतना बोल दिया तो कोई कमेंट करेंगे, अरे आपको तो इतना भी नहीं पता है ना, क्योंकि कई सारे मेरे साथ बहुत अच्छे लोग हैं और वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं ऐसी चीज़ें बोल के, ठीक है। तो 68,511.65 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। मैं क्योंकि मुझे लगता है कि आप तैयारी कर रहे हो तो चीज़ समझ जाओगे, इसलिए मैं कई बार स्किप कर देती हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा ला बता ही देती हूँ। तो हमें इसका आंसर जो बताना है, देखिए यूपी बजट में राजस्व बचत 68,511.65 करोड़ रुपए के आसपास अनुमानित है, ठीक है, जो मैंने भी बताया। तो इसके तहत ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है, क्योंकि जो राजकोषीय घाटे की बात इन्होंने कही है तो राजकोषीय घाटा 84,883.16 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य उत्पाद का 3.48% है, और यहाँ पर इन्होंने प्रतिशत ज़्यादा बताया, इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है, एक सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 प्रदेश के कितने शहरों के लिए मेट्रो परियोजना संचालन का प्रस्ताव जारी किया गया? ऑप्शन है वाराणसी, बी आगरा, सी कानपुर, सॉरी थर्ड कानपुर, फोर गोरखपुर और डी बरेली, ठीक है। तो नीचे दिए गए कोड का चयन करके सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, सेकेंड, फोर और फाइव, बी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर, सी केवल सेकेंड, थर्ड, फोर और फाइव, या डी केवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर। तो इसमें ऑप्शन का चुनाव करना है। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर है, फाइव नहीं है, ठीक है, बरेली नहीं है, तो डी आंसर आपका हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमिलित हैं? लिंक परियोजना है और ये रुपए करोड़ में है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे तथा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे 235 करोड़ रुपए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना 550 करोड़ रुपए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर औद्योगिक गलियारा 200 करोड़ रुपए। तो इनमें से क्या सही है यह हमें बताना है। ऑप्शन है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और थर्ड, या डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो देखिए मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलो लंबे लगभग 36,230 करोड़ रुपए लागत से बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों ही आपके हो जाएंगे सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना है तो कितने धनराशि का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए फर्स्ट ये करोड़ में है, ऑप्शन बी 631.93 करोड़ रुपए। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हाँ तो यहाँ पर कितने धनराशि का प्रावधान किया गया ये हमें बताना था, है ना, 632.92 करोड़ रुपए, बी 631.93 करोड़ रुपए, सी 630.90 करोड़ रुपए, या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश 2023-24 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए 631.93 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको 49 जनपदों में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें गंगा नदी से जुड़े 26 जनपद सम्मिलित हैं। इसके अलावा जो भी बातें आप जरूर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए आर्द्रभूमि बचाओ अभियान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ से शुभारम्भ किया? ऑप्शन है सिक्किम, बी लद्दाख, सी गोवा, डी केरल। तो इसकी जो शुरुआत की गई है
वो आपकी गोवा से केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने गोवा के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अर्धभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष तक वनावरण एवं वृक्षारोपण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है? ऑप्शन है वर्ष 2025, बी वर्ष 2027, सी वर्ष 2030 या डी वर्ष 2032 तक। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वना वृक्षारोपण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, जिसको वर्ष 2030 तक 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत चीनी सीमा की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की कितनी नई बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 7 या डी 6। तो हाल ही में मतलब करंट में है, तो भारत चीन बॉर्डर की सुरक्षा के लिए तैनात आईटीबीपी पर केंद्र सरकार ने पूर्ण भरोसा जताते हुए 7 नई बटालियन को गठन करने की मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 की घोषणा किस बैंक ने की है? ऑप्शन ए सिंगापुर बैंक, बी बैंक ऑफ अमेरिका, सी भारतीय रिजर्व बैंक या डी एशियाई विकास बैंक। तो दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत की घोषणा है ना, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने समावेशी डिजिटल सेवाएं थीम के साथ अपने दूसरे वैश्विक हैकाथॉन अग्रदूत 2023 परिवर्तन के लिए नवाचार की घोषणा की है। तो सी आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इफको आईएफएफसीओ के नैनो यूरिया तरल लिक्विड संयंत्रों का उद्घाटन किया? ऑप्शन है गोरखपुर, सेकेंड आंवला, थर्ड फूलपुर, फोर्थ नैनी। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए फर्स्ट तथा सेकेंड, बी सेकेंड तथा थर्ड, सी थर्ड तथा फोर्थ या डी फर्स्ट तथा फोर्थ। ठीक है, तो ये हमें बताना है। देखिए जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण रसायन और उर्वरक मंत्री है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफको के लिए, ठीक है, तो आंवला और फूलपुर, आंवला आपका सेकेंड है, फूलपुर थर्ड है, तो सेकेंड तथा थर्ड यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सी सेट का क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। 266, 234, 204, 176, 145, 126। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था कि दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए, और ये हमारी श्रृंखला है, ठीक है, 266 बढ़ती हुई संख्याओं से। तो इसको जो सॉल्व करना है, जो पीडीएफ में दिया वो दूसरे तरीके से दिया है, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ, मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ, ठीक है। लेकिन किसी को अपने तरीके से आता है तो वो वैसे भी सॉल्व कर सकता है, या पीडीएफ का समझ में आया तो पीडीएफ से कर लीजिए। हालांकि मैंने जो आंसर निकाला है मैं उसको आपको बताती हूँ, ठीक है। देखिए जो ये संख्या दी गई है यहाँ पर, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, गलत पद ज्ञात कीजिए। तो मैं बताती हूँ आपको, हमने संख्या ले लिया 126 प्लस 19 ऐड किया 145 आ गया, 145 पे प्लस 31 किया 176 आया, अब 176 प्लस 28 किया तो ये यहाँ पर श्रृंखला इस तरीके से मिलती जा रही है, ठीक है, 32 फिर 30 फिर 28 फिर 31। तो उन्होंने कहा था कि गलत पद बताइए, तो गलत पद यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका होगा डी नंबर, ठीक है, जो डी नंबर है 145, ये आपका गलत पद हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। मुझे इस तरीके से समझ में आया कि ये एक पैटर्न बनता है, बट ये वाले से पैटर्न नहीं बन रहा है, और जो पीडीएफ में बताया गया वो दूसरे तरीके से बताया गया, बट वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप उसको भी अपने तरीके से देख लीजिएगा, इससे हमारा आंसर निकल आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए व्यंजक में एक्स के स्थान पर क्या आएगा? ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, 36 इंटू 15 प्लस एक्स माइनस 35 इंटू 18 बराबर 55 इंटू 20, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को हमने एज इट इज पहले नोट डाउन कर लिया, फिर हम इन संख्याओं का 36 इंटू 15 इसका हमने इंटू कर लिया, प्लस एक्स माइनस इन दोनों का कर लिया, 630 आया, बराबर में इनका आया 1100। अब एक्स हमारा बाहर आ जाएगा, एक्स माइनस और इनका हम माइनस करेंगे। देखिए हमने इन संख्याओं का गुणा कर लिया, हिंदी मतलब घर की भाषा में एक तरीके से समझिए तो 540 हमारा गुणे का आ गया, प्लस एक्स को एज इट इज उठा लिया, नोट डाउन कर लिया, माइनस का साइन लगाया, 35 इंटू 18 उसको हमने इंटू करके संख्या ले ली, इसके बाद 55 इंटू 20 ये हमारी संख्या आ गई। अब क्योंकि x को हमने बाढ़ लिया तो ये संख्या चली जाएगी, ये 630 में से 540 को आप माइनस करोगे तो ये आपका शेष बचेगा, बराबर ये संख्या हमारी आ जाएगी 1100, ठीक है, ओके। तो x ये बराबर आ जाएगा इस तरीके से,
1100 में से प्लस का 90 हो जाएगा, तो संख्या आपकी आ जाएगी 1190। ठीक है, अब आंसर को एक बार देख लेते हैं, ये तो अभी हमने किया है, आंसर देखते हैं कि क्या सही है। तो आपकी आपका जो ऑप्शन है वो बी यहाँ पर सही है। ठीक है, देखते हैं बी में क्या दिया है। देखिए करने से इनका ये 1190 आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 1190 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है, ए की दो बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि ए बड़ी बहन से 11 वर्ष छोटी है और छोटी बहन बी के समान आयु की है, तो 10 वर्ष बाद सभी चार सदस्यों की आयु का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 101 वर्ष, बी 145 वर्ष, सी 131 वर्ष और डी 141 वर्ष। ठीक है, देखिए इन इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही केवल है। तो मैं पीडीएफ को भेजूंगी, तो आप उससे कैलकुलेशन देख लीजिएगा। और आई होप कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन आते भी होंगे, क्योंकि सीसेट के तो आप देते रहते हो तो आते ही होंगे। कैलकुलेशन करने से बहुत समय चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है, आप अच्छे से अपने तरीके से कर लीजिएगा, है ना। कई बार क्या होता है कि जो पीडीएफ में आंसर दिया है वो हमें सेटिस्फाइड नहीं करता या हमें समझ में नहीं आता, तो हम अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन 133, 134, 135, 136, 137 और 138। ठीक है, यहाँ तक आप कर लीजिएगा। मैं ये रीजनिंग का है, मैं यहाँ से आपको बताती हूँ, तो यहाँ तक क्या आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन है, उसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि नहीं वही हम बताएंगे तभी आपको आएगा, आपको भी इनमें आते होंगे। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश का मुख उत्तर की ओर है, वह अपने दाएं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपने दाहिनी ओर 25 मीटर चलता है और 25 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा अपनी दाएं ओर मुड़ता है और 55 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, तो इसको हमने डायरेक्शन से निकाला है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जी एच से मोटा है लेकिन एम जितना मोटा नहीं, क्यू बी एम जितना मोटा नहीं है, तो समूह में सबसे दुबला व्यक्ति कौन है। ऑप्शन ए क्यू, बी एच, सी जी, डी एम। ठीक है, देखिए जो इन्होंने पूछा है उसके हिसाब से आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी, यानी कि एच। ठीक है, चलिए तो हमारी टेस्ट सीरीज यहाँ कंप्लीट होती है। 9 पेपर अभी DIAS के हैं जो मिक्स क्वेश्चन के हैं, मतलब जैसे GS का क्वेश्चन पेपर आता है ना जब आप फाइनल एग्जाम देते हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, तो ये सारे क्वेश्चन उसमें मिक्स हैं। वो किसी स्पेशल सब्जेक्ट से नहीं कि जैसे केवल पॉलिटी के होने चाहिए या केवल हिस्ट्री के, तो 9 पेपर वो भी हैं, हम उनको भी अच्छे से देख लेंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।